शांति। आज नवरात्रि के बाद दशहरा, जिसको विजयदशमी कहते हैं। नवरात्रि हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न रीति से मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में दुर्गा पूजा, रामलीला आदि आदि के नामों से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक में कुंभे हब्बा के नाम से, तमिलनाडु में बोमकोलु के नाम से, आंध्रा में बोमला कोलु के नाम से, केरला में कोलु के नाम से मनाया जाता है। विशेष करके लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की पूजा होती है। देवी चामुंडेश्वरी ने महिषासुर नामक असुर का वध करके दुखों से मुक्त किया। उसी का यादगार चामुंडेश्वरी के मंदिर मैसूर में विशेष रूप से मनाया जाता है। विशेष करके सारे विश्व में शक्तियों का आवाहन, आराधना और पूजा की जाती है। इसीलिए दुर्गा देवी को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। तो अष्टभुजाओं में अष्ट अलंकार दिखाया गया है और सिंह व बाघ की सवारी दिखाई है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है, रतन जड़ित ताज ज्ञान धन से भरपूरता की निशानी है। हर्षित चेहरा संतुष्टता से भरपूर है। तलवार ज्ञान चिंतन द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि। स्वदर्शन चक्र स्वयं की पहचान के प्रतीक है। धनुष और बाण ज्ञान की तीर लगाने की निशानी है। गदा आसुरी वृत्तियों को संहार करने की निशानी है। कमल पुष्प न्यारापन अर्थात गृहस्थ में रहते न्यारे और प्यारे अलिप्त रहने की निशानी है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि हर एक व्यक्ति में, वह पुरुष हो या स्त्री, हर एक में सर्व शक्तियां हैं। उन सर्व शक्तियों को जागृत कर अपने आंतरिक आसुरी अवगुणों को यानी पांच विकारों को नाश करना है। आशीर्वाद का हस्त सदा देने की भावना शेर पर सवारी निर्भयता की निशानी है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। त्रिशूल सद्गुणों से दुर्गुणों का संहार करने की निशानी है। शंख मधुर बोल की निशानी है। माला परमात्म पिता की स्मृति की निशानी है। तो आइए इन सर्व गुणों को अपने जीवन में लाकर पांच विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्ची विजयदशमी मनाएंगे, सच्ची दशहरा मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।